हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। यू नो व्हाट, हमारे घर में या गार्डन में एक ऐसा कोना जरूर होता है कि जहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी झलकती है एंड वी फील सो प्राउड टू शो इट टू अदर्स। आज का वीडियो ऐसे ही मेरे क्रिएटिविटी के बारे में है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राउंड ग्रिल एंड इसके लिए मैंने फाइकस प्लांट यूज़ किए हैं। मेरे पास 10 प्लांट्स हैं एंड इस तरह का पॉट हमको चाहिए जिसका बेस थोड़ा ब्रॉड हो। आप जब भी कोई राउंड या वर्टिकल ग्रिल बनाना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ फाइकस, अरेलिया या कनेर। इस जैसे प्लांट्स, क्योंकि उसके स्टेम्स जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं एंड थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, तो आप शेप देने में बहुत ही अच्छे तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांट के जितने भी साइड ब्रांचेस है उसको आपको कट करना पड़ेगा एंड एक्स्ट्रा मिट्टी को हटा के दो दो पौधों को आप केबल टाइज के मदद से बांध दो। सिंस हम 10 पौधे एक ही पॉट में लगाते हैं तो वो आपका जो पॉट है वो वाइड भी होना चाहिए और वो थोड़ा डीप भी होना चाहिए। चलो, आज 10 दिन हो गए हैं एंड लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। हमें करना क्या है कि हर एक पैर के लेफ्ट ब्रांच को नेक्स्ट पैर के राइट ब्रांच से हमको क्रिस क्रॉस बांधना है एंड इसके लिए हमको बहुत सारे केबल टाइज लगेंगे। सो ऐसे करते करते हमारा वो शेप आते जाएगा। जब भी हमारे शुरुआत में शायद हमको वो शेप नहीं दिखेगा, बट वंस वी स्टार्ट डूइंग इट, फिर धीरे धीरे वो हमारा शेप बनते जाएगा। प्लांट्स को शेप देने के इस आर्ट को टोपियारी भी कहा जाता है। This is also a type of bonsai art or fusion art. Such type of topiaries are sold at very high price in the nurseries. They look so beautiful, but उसका रेट सुन के ही हम अपना डिसीजन चेंज कर लेते। But if you learn how to make it, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आप इसको बना सकते हैं एंड वो जो बनाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा उसके ऊपर आप कोई भी प्राइस टैग नहीं लगा सकते हैं। It has not cost me more than 500 rupees. Around 150 rupees ka pot hai. And for 10 plants, I have paid 300 rupees. So 30 rupees each plant. And maybe another 30-40 rupees for cable ties. Yeah, that's all. So just 500 rupees mein mera ye artwork complete ho jayega. And nursery wale, wo aapko 2 se 5000 rupees ke liye charge karte hai. Now you can see the beautiful shape is coming up. ये करते वक्त बीच में अगर छोटे छोटे branches आ गए तो you need to cut it, so that you know वो shape आपका clear दिखे। So I have tied the cable ties at 5 levels and now beautiful cylindrical shape has come up. Now let's cut the extra ties to get the cleaner look. Now our masterpiece is ready. But मेरा personal touch अभी बाकी है. Let's beautify it further. I have these baby spider plants in my garden. Let's plant them in the pot and make it more beautiful. Let's spread some marble grains to make it more beautiful. And see, my masterpiece is ready now. अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय।